जनको पवन के सिट की ओर से राम राम पहुंचे। तो आज हम पहुंचे हैं भैया इतने बड़माड़ी में, तो बड़माड़ी के मंदिर पे दवाई भी पवाई जाते है और बहुत से लोगों को आराम भी हो रहा है। तो हम महाराज जी आपको पहले नाम जानना चाहते हैं। जय बालाजी, जय हनुमान जी, जय सालासर बालाजी सरकार की जय। हमारा नाम है हरिशंकर मिश्रा। तो अपने मंदिर पे जो दवाई बट रही है इसे लोगों को आराम के रोग मिट रहे हैं। हमारा जी हनुमान जी का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है जी। यहाँ सन्यासी बाबा जैसे बागेश्वर में सन्यासी बाबा, उन्हीं के दादा गुरु के भैया है यहाँ बलखंडी बाबा जी। उनके नाम से उन्हीं की यहाँ कृपा है। उन्होंने हमको सपना दिया था, उन्होंने हमको दवाई बताई थी कि ये दवाई से उद्धार हुई है। साक्षात दर्शन भाई थे हमारे लाने, उन्होंने बताई थी कि जब कैंसर पे दवाई चले, ब्लड प्रेशर, शुगर, और जिनके बच्चा नहीं उस बच्चा हुआ है जैसे उन्हीं दादा। यहाँ कोई फीस नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क सब होगा। यहाँ कभी कोई पैसा लगेगा। और हमने सुनी थे मंगलवार को सुंदरकांड भी, हर मंगल को सुंदरकांड, शनिवार को हाँ सुंदरकांड, शनिवार को संध्या भी होती है, बिल्कुल पक्का है जी। चलो तो हाँ। हम जो है अपने सुल्तान संजय कंचाएं के जो है मंदिर पे पधारा हुआ, बड़माड़ी लार की लगा है जो हम लार से एक किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है लार से, आओ 3 किलोमीटर लार से है। और यहाँ ऐसा है कम से कम बड़माड़ी खास कम से कम 100 आदमी तो कैंसर ठीक हो गए होंगे तैसे। यहाँ से कम से कम 200-300 स्त्रियाँ के मोड़ी मोड़ा हो गए। अच्छा। एक हमारे यहाँ मैडम है जी। उनको यहाँ से दिल्ली तक के डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इनकी बच्चा दानी नहीं है। अच्छा, बच्चे होंगे ही नहीं, होंगे नहीं बच्चे, सीधा हाथ उठा दिया था। फिर हम पाठ कर रहे थे सुबह, यहाँ आई से रोने लगी, कल महाराज डॉक्टर ने तो मना कर दिया, हमने अभी इनने मना नहीं किया है, हमारे साला साहब हमने इनने मना नहीं किया, हमने जब जो मना कर लिया जब रोना, हमने इनकी तो कृपा हो रही तुम्हारे ऊपर साक्षात। अब इन डॉक्टर ने मना नहीं किया, हाँ इन डॉक्टर साहब ने मना नहीं कही। सुबह आई तभी तो कहा पाकम्मा दे, हमने 5 पाकम्मा दवाए, 2 महीना बाद उन्हें आराम लग गए, बच्ची होगी बढ़िया। ऐसी बच्ची भाई के 5-9 महीना ही ब्लीडिंग की चालू थो। अच्छा अच्छा। फिर भी आउती के महाराज डॉक्टर तो क्यों बच्ची नहीं आई, हमने बच्चा हो जाए तो मोड़ी भाई बाबू की तरह से। बोलो बालाजी सरकार की जय। भैया सबरे हनुमान भक्तन से हमारा भी निवेदन है कि जी की जो समस्या हो वे तो जो है बड़माड़ी में पधारें और जो है आपकी समस्या को समाधान हो गया। आस्था और विश्वास की जरूरत है। तो बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक तो भैया थे कैंसर के, चार उंगलिया जो आई थी उनके ई बगल से ई बगल की सिकट्टी साहब की। अच्छा। हाँ तो ये तो है जो गोकालो जी अपने जनिए माता, अरे बृंदवासिनी माता, वहाँ सिकट्टी है मदद। क्या हुआ उनको कैंसर था, यहाँ जी उंगलियाँ जो आई थी चार, पहले मंगल कुमार से उन्हें देखी सुमाबाद की माँ तुल्लू लग गई उनकी। अरे हाँ सुमाबाद, उसके बाद पर क्या होगा कि कह लो हमने झाड़ू दवाई दी थी ऐसे, पहले हम तो बढ़ गया है महाराज, कल ही देखो रोटी खाया 5। एक अभी दिल्ली एम्स से आया था मरीज, एम्स दिल्ली से, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा लीवर किडनी दोनों खराब हो चुकी हैं और कल तक आप बचोगे नहीं। वो यहाँ आज 3-4 जने थे पीछे लेके गए और डाए थे, हमको फ़ोन लगाया कल पंडित जी हम आए आपके धाम पर, हम पहुँचे होते होते देखो हमने कि ये तो मुश्किल ही है, भगवान है मालक इनको, आज बात स्थिति होगी उनकी के बेकार का डॉक्टर की दवाई तो ठीक है, कहते महाराज हम तो खाने लगे 5 रोटी। महाराज जी जैसे आपसे को संपर्क करना चाहूँ तो आप अपना फ़ोन नंबर और बता दो आप। हमारा 7489-3865-84 जी हमारा नंबर है। भैया जो भी अपनी शंकाओं का समाधान कराने हो जिनको और अपनी जो रोग तकलीफ बीमारी हो उनको निराकरण के लाने आप इतने बड़माड़ी में पधारें। हमारे यहाँ सबसे पहले आए थे एक यादव जी, उज्जैन के यादव जी, उनको पाँव में था कैंसर, सबसे पहला वो यहाँ आए से कैंसर था उनको, हमसे बोले कल ही 4-5 जने लुवा के लिए आए थे। मबाद की माँ कत्ती 7 दिन में कत्ती कम से कम हाँ 4 लीटर ब्लड डलता है हमारे लिए, कत्ते कत्ते पूरा निकल जाए, पूरा गल गौ तो शरीर में। गुजरात के डॉक्टर बोले आपके मांड में कैंसर फैल चुकू। यहाँ आए तो हम पाठ कर रहे थे, रोने लगे भी यहाँ रोने लगे, सो हमें वीएस हुआ आ गए, हमने देख के लाने हमारे लाने बहुत पुण्याती है वो, हमें यहाँ से कीला लगी थी पके, हमने साहब हमें दवाई तो महाराज आउत नहीं यहाँ कछू चाहे कीला है दवाई, हमने दही ने टो के कीला और सभी वह फिर आए हुए थे, कल महाराज आज तो मवाद ही नहीं आई गोड़ी में से। जय हो, जय हनुमान जी महाराज की जय। फिर दूसरा बोले कल हमने दूसरा कीला खुलवा उनके लाने, कीला खा कल आज महाराज दैद नहीं दो गुड़ो, हमने जो 5 कीला वो ले जाओ भाई, तो आज भी अभी आए थे यहाँ पे तो एक बार गल गाओ तो जो पूरो मंगा साफ होके आज भी जिंदा है, बढ़िया घूम रहा है, बेला ड्यूटी पे जा रहा है।
बोलो साला सर धाम की, बोलो सन्यासी अपने भारत में अंगद की मूर्ति कौन लिया। हाँ हमारे यहाँ जो सन्यासी बाबा थे जी कुबा है जी, ये बगल में कुबा है, यहाँ भी अपनी ये पटाखे जी यहाँ धोके और लगा के फिर पूजा करते, उन्हीं की प्रतिष्ठा का हुआ है यहाँ की बड़मारे जी। आतन को साफ कर दी पानी से, पूरे खोल के जो राट चलत तो हो ऊपर, उन्हें अपनी गुड़ान को लगाई ऐसी तो वो राट अपने आप चलत तू। अच्छा हाँ, लाट चलबे के बाद में उतर हाउते जे पू यहाँ थे खींच के धोके लगा के और फिर पूजा कहते थे कि, और फिर अपने जितने इनको आश्रम है थे जंगल में उतर चले जाते हो। हाँ ऐसा होता उनको, उन्हीं की कृपा है थे, उन्हें साक्षात सपनों दो तो उन्हें दवाई बताई थी, उन्हीं की लीला है और साला से धाम की लीला है दो जलन की। आज भी हम कभी अगर सभी ऐसे यहाँ में तो हमें फूला चढ़े मिला देते, फूला चढ़े मिला था माला ने। हाँ बहुत अब एक टीका मार के भाई जी आए थे यहाँ, वो हमसे बोले बोले बेटा बोले जी तुम्हारी तोरिया ही पूरी चमत्कारी है, गंगा भी की पूजा कर भी कत्ते पूरी चमत्कार, कल तेरे ऊपर साक्षात बालाजी की कृपा है, बोले यहाँ तो आ तो ठीक है, बोले पूरे भारत में नाम प्रसिद्ध हो जाएगा तेरे बड़ा माराई का। जय हो जय हो, बोलो साला साधाम की जय हो जय हो।